कक्षा 8 से एक नई कविता भगवान की दाखी लेकर आए हैं और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय जान लें। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी स्थानीय पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत पटना कॉलेज के सन 1932 ईस्वी में बीए इतिहास की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्ध नारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि। भारत सरकार ने दिनकर जी को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया है। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 19 मई 1974 ईस्वी को दिनकर जी का देहांत हो गया। उनकी कुछ काव्य रचनाएं भी हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनी, उर्वशी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। कविता का सार इस तरह से है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताते हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। हम तो केवल इतना भर आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को खुशबू भेजती है, पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। आइए कविता का काव्यांश पढ़ें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और वे कवि पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये बताते हैं। व्याख्या इस तरह से है। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिये हैं। हम सामान्य जन तो उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, पर उन्हें पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसती है। प्रकृति के लिए सीमाओं का बंधन नहीं होता। इस भाग की विशेष बात है, प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और दूसरे पेड़ पौधे पानी पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। कविता का दूसरा भाग है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है और इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया है। इस भाग की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि हम पक्षी और बादल के संदेश को भले ही न पढ़ पाते हों, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती।
यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानते। इस भाग में कुछ विशेष है। कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन करता है और दूसरा पक्षियों की पंखों पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। इस कविता से कुछ प्रश्नोत्तर हैं। भगवान की डाकिये कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, आइए जानते हैं। इस कविता में यह प्रतिपादित किया गया है कि भगवान बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी के सभी लोगों को अपना प्रेम, करुणा एवं दया का संदेश देता है। हमें भी इसी भावना का अनुकरण करना चाहिए। भगवान के संदेश को प्रकृति के माध्यम से समझने एवं अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें देश की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को अपना समझना चाहिए। एक और प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि सभी देश के लोग समान हैं, सभी के साथ प्रेम प्यार का बर्ताव करो, हमारे कई काम बनते हैं। अभी तक डाकिये को वह सम्मान नहीं मिल पाया है जिसका वह हकदार है, और डाकिया सरकारी कर्मचारी होता है। अगली